मित्रों नमस्कार, कैसे हो? हाउ आर यू? ईश्वर से कामना करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे मित्रों के लिए, मेरे बहनों के लिए ऐसा वशीकरण का मंत्र पेश करने जा रहा हूँ जो आप अपने घर पे आराम से कर सकते हो। मेरा वीडियो पूरा देखे और जो मेरे मित्रगण मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाए मेरे वीडियो से, ताकि आपको घर बैठे अच्छे वशीकरण के प्रयोग मिल सके और अपने घर पे आप वशीकरण का प्रयोग कर सको। तो आज का हमारा चैप्टर होगा वन साइड लव, एक तरफ से प्रेम। यानी कोई भी लड़का या लड़की, किसी लड़का या लड़की को चाहते हैं और वो लड़की या लड़का आपको नहीं चाहते, उसको बोलते हैं वन साइड लव। यानी एक तरफ से प्रेम, दूसरी तरफ से प्रेम नहीं है। तो ऐसे में प्रेमी या प्रेमिका को कैसे वश में करना है और उसका प्रेम कैसे पाना है और कैसे वो सामने से आके प्रेम का प्रपोज करे और सामने से आपको प्रेम करे, वो वीडियो आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो वशीकरण का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक ऐसा लाल पेपर लेना है, लाल पेपर लेके फिर ऐसी एक कुंडली बनाना है, ऐसी एक कुंडली बना के और उसके ऊपर यहाँ पे नाम 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 लिखा है। तो यहाँ पे लड़का या लड़की जिसको आप चाहते हो, लड़की लड़का को चाहते तो लड़का का दो नाम होना चाहिए, या लड़का लड़की को चाहते तो लड़की का दो नाम आना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिखा स्वयं, सेल्फ स्वयं, तो यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहिए जो प्रयोग करता है। लड़का करता है तो लड़के का नाम, लड़की करती तो लड़की का नाम लिखना चाहिए। और 11 नंबर यहाँ लिखना चाहिए और उसके ऊपर ऊपर और नीचे वशीकरण वशीकरण ऐसे लिखे 21 नंबर देना है। ये आपको ऐसी वशीकरण की मैजिक कुंडली बनाना है। मैजिक कुंडली बनाने के बाद में इसको हम ऐसे मंत्र से शिफ्ट करेंगे और दो फूंक मारेंगे जिसको हम चाहते हैं। एक तरफ के प्रेमी पागल हो और आप उसको बहुत मन से मन चाहने लगे हो और उसका ख्वाब आते और फर्स्ट नजर में आपको मन को पसंद आ गए, उस लड़का या लड़की का नाम लेके तीन फूंक मारना है। तीन फूंक मारने के बाद में इसको हम मंत्रित करेंगे, ओम ह्रीम क्रीम लड़का या लड़की का नाम, मम वश्यामी आजीवन वश्यामी कुरु कुरु स्वाहा, ऐसे हम इसको मंत्रित कर दिया है। अब उसके बाद में हमको एक ऐसा नींबू लेना है और इस नींबू के ऊपर या नाम लिखना, जैसे मैंने यह लिखा नाम, तो लड़का या लड़की जिसको आप चाहते हो उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में और इसके ऊपर एक ऐसा छेद कर देना, छेद छेद करना नींबू के ऊपर, और छेद करने के बाद में इसमें हम एक इलायची इसके अंदर डालेंगे, उसका नाम लेके जिसको आप चाहते हो उसका नाम लेके एक इलायची इसके अंदर डाल दी। और उसके बाद में दो दाना चावल का डालना है, एक और दो दाना चावल का डालना है। और उसके बाद में दो ही दाना काला तिल होता है, काला तिल डालना है। और उसके बाद में दो ही दाना काली उड़द होती है वो डालना है इसके अंदर। इसके अंदर डालने के बाद में इसके अंदर ऐसे खिली लेके इसमें प्रवेश करवा देना है, ये बाहर नहीं निकले, इसमें प्रवेश करा देना है। प्रवेश कराने के बाद में कुमकुम से जो आपने नाम लिखा है ये बात छोड़ देना है और कुमकुम से उस लड़का या लड़की को चाहते हो उसका नाम लेके इसको लाल करना है, कुमकुम से इसको लाल कर देना है, नींबू को लाल करना है। ऐसे हम इसको लाल कर देंगे। लाल करने के बाद में इसके ऊपर भी हम दो फूंक मारेंगे, जिसको आप चाहते हो उसका नाम लेके दो फूंक मारेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमने वशीकरण की कुंडली तैयार की है इसके ऊपर ये नींबू ऐसे रखेंगे, ये नींबू इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और रखने के बाद में इसको हम एक पटाखी में फोल्ड कर देंगे, ऐसे ऐसे एक पटाखी बना के इसको फोल्ड कर देंगे। ऐसे हम इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद में लाल धागे से इसको बांध देना है, जिसको आराम से वीडियो देखिए और जो आपको बता रहे उस प्रकार प्रयोग कीजिए, आपका प्रयोग 100% सफल होगा और आपको वन साइड लव में 100% सफलता मिलेगी।
ऐसे इसको बांध दिया है। बांधने के बाद में अब रात को आप सोते हो तो इसको आप अपने बिस्तर के नीचे रखना है। ये ध्यान देना है कि बिस्तर के नीचे रखो, तब इसके ऊपर वजन नहीं पड़ना है, आपके शरीर का वजन नहीं पड़ना है। अगर वजन पड़ा है तो इसके अंदर मंत्रित नींबू वो उसमें फूट जाएगा, उसके अंदर का रस निकल जाएगा। तो इसको एक तरफ ही रखना, बिस्तर के एक तरफ रखना है। और रात को आपको जब नींद आती है लगभग 12 1 बजे, तो उसके पहले पहले उस लड़की या लड़के जिसको आप चाहते हो उसका स्मरण करना, याद करना है। ऐसे जैसे मैं उसको बहुत चाहता हूँ, मेरे को मिल जाए तो अच्छी बात है, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसकी याद आती है, मैं तड़पता हूँ, ऐसे उसको आप याद करो। याद करके फिर सो जाना है। और सोने के बाद भी इसको सुबह उठ के अपने ऊपर सिर के ऊपर 7 बार घुमा के और लड़की का नाम लेके इसको पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ के पास इसको रख दीजिए। और हम दावे के साथ कहते हैं कि 11 घंटे के अंदर अंदर जिसका ये आपने प्रयोग किया, जिस लड़की या लड़के के नाम का, वो सामने से दौड़ के आएगा और प्रेम में इतना पागल हो जाएगा या हो जाएगी, आपसे ज्यादा प्रेम करेगी और आपके बिना रह नहीं सकती है, जैसा आप बोलोगे वैसे करेगी और आजीवन तुम्हारी हो जाएगी। मित्रों, आज का प्रयोग आपको अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।